और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसी आवाज़ कर रही है। फ्रेंड, ये मैंने आग लगा दी है और ये देखिए, देख सकते हो इसकी। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों में ऐसी गन बना के दिखाऊंगा जो कि आप इस दीपावली में बिल्कुल धमाल मचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक वॉच करिए, जब वीडियो आप लोगों के समझ में आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा एक लकड़ी का टुकड़ा, जैसे कि मैंने ये ले रखा, आप देख सकते हो। और दोस्तों, आपको कुछ इस तरीके से इसकी शेप दे देनी, जैसे कि मैंने दे रखा हूँ काट के, ठीक है। आपके पास एक सा ब्लेड होगा उससे दे देना, या आपके पास आरी होती है दोस्तों, आरी से भी ऐसा कुछ आकार दे देना, ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्या क्या चीज़ लगेगी, ठीक है। ये तो लकड़ी होगी हमारी, ठीक है। और दोस्तों, आगे का उसका नोजल जो है, हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। कुछ आपको लकड़ी को इस तरीके से काट के, और मैंने दो होल कर दिया है, ऐसे आपको कर लेना बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड। और एक और लेना दोस्तों, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, जैसे कि ये मैंने ले रखा है और इसमें होल भी कर दिया है, और मैं बताऊंगा इनका आगे क्या काम है, ठीक है फ्रेंड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लेनी है, जो आपके घर में लाइटर पड़ा होता है उसकी पाइप, ठीक फ्रेंड। अगर आपके पास लाइटर नहीं पड़ा है, पुराना धुराना कोई भी नहीं पड़ा है, तो दोस्तों हम मार्केट से ऐसी पाइप आप ले सकते हो, 10-20 रुपए में दे देगा। अगर आपके पास लाइटर पड़ा है तो लाइटर का भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड। और दूसरी, और मैं बताऊँ दोस्तों कौन सी चीज़ लेनी है, आप जो आपके पास जो कोको कोला लेते हो उसकी कैन वन पड़ी रहती है दोस्तों, तो उसको उस कैन काट के कुछ आपको इस तरीके से आकार दे देना है, और ये पत्ती का काम करेगा जो कि टाइट करने के मदद देगा, और इसकी शो भी अच्छा लगेगा देखने में दोस्तों, ठीक है। और आपको क्या लेना है, स्क्रू, ठीक है फ्रेंड। स्क्रू देखिए, मैंने इतना स्क्रू ले रखा, मेरे पास पुराना पड़ा था। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से आप खरीद सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये 5-10 रुपये में दे देगा इतना, ठीक है फ्रेंड। और आप लोगों को मैं अब बताऊंगा इसका फिटमेंट कैसे करना है, ठीक फ्रेंड। तो चलिए फटाफट अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ठीक फ्रेंड। तो स्क्रू को मैं यहाँ पर रखूँगा, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मैंने रख दी। और फ्रेंड, आप लोगों को मैं बताऊँगा इसे कैसे फिटमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, फटाफट इसका फिटमेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके आगे का जो नोजल होता है, उस नोजल को मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इस लकड़ी का बताऊंगा कहाँ इसका यूज़ होगा, और इन जो पत्ती में काट रखा है उनका कहाँ यूज़ होगा, सब मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल पूर्वक। और मैं आप लोगों को पहले इसका नोजल बना के दिखा दूँ, जहाँ से फायर होगा ये, वो बना के आप लोगों को मैं पहले दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए, मैंने होल कर रखा है और इसमें भी होल कर रखा है। तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको करना क्या है, ये होल दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको स्क्रू की मदद से पहले टाइट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैं स्क्रू की मदद से फटाफट टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं स्क्रू लगाया ये, ठीक फ्रेंड। अब देखिए, अब मैं इसे फटाफट टाइट कर लेता हूँ। फ्रेंड, मैं आप लोगों में बताना चाहूँगा कि आप ये किसी के ऊपर ट्राई ना करें, ठीक फ्रेंड। या कोई भी जानवर हो या कोई भी जीव जंतु हो, आप उसके ऊपर ऐसा ट्राई ना करें, ठीक है फ्रेंड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, उसके आगे आप लोगों को इसे फायर नहीं करनी, ठीक है फ्रेंड। देखिए, टाइट हो चुका है, और ये आगे का लगाना है, ठीक है फ्रेंड। तो आगे का मैं कुछ इस तरीके से इसे लगा लूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, मैं टाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने एक टाइट कर दिया, और एक और रहेगा टाइट करने के लिए, तो इसे भी मैं टाइट कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है फ्रेंड। ये रहा मेरा स्क्रू, और यहाँ पर मैं लगाऊँगा, ठीक है फ्रेंड। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी बच्चे के कान के पास ना लगाएं, और किसी भी जीव जंतु के पास कान के पास ना लगाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, देखिए ये भी टाइट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। देखिए, टाइट हो चुका है। अब आपको करना क्या है, इसके ऊपर का जो नोज़ल है, ये आपको कुछ इस तरीके से लगा देना, ठीक है फ्रेंड। अब इसे लगा के, जो मैं ये पत्ती काट रखा हूँ, अब इसका यूज़ होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इस पत्ती को मैं यहाँ पर लगा दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और होल भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इस होल में मैं टाइट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए, फटाक से टाइट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों। बिल्कुल मैं वीडियो को स्किप नहीं करूँगा, आप लोगों के सामने बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। देखिए, बिल्कुल दोस्तों लगेगी सेम गन जैसी, ठीक है दोस्तों। और इस दीपावली में तो मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल इस गन का, ठीक है फ्रेंड। ये देखिए, हो गया टाइट फ्रेंड। अब दूसरा हमें करना है, तो यहाँ मैं दूसरा स्क्रू प्लग टाइट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप देख सकते हो मैंने ये जो लगा दिया है, जो पत्ती थी इसकी, मैंने लगा टाइट कर दिया अच्छे तरीके से। अब मुझे लगानी है दोस्तों दूसरी पत्ती। तो फ्रेंड, हम इसे कुछ इस तरीके से घुमा लेंगे, ये वाली पत्ती फ्रेंड, ये वाली। तो इस पत्ती को हम कुछ इस तरीके से घुमा के, यहाँ पर आप स्क्रू देख सकते हो, इसके स्क्रू में हम इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड।
तो चलिए मैं इसे टाइट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। दोस्तों अब मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप किसी भी बच्चे के कान के पास लगा के इस बंदूक का यूज़ ना करें और ना किसी जानवरों के लिए दोस्तों इसे यूज़ करें। हाँ ये दोस्तों बस मैं वैसे मनोरंजन के लिए बना रखा हूँ कि आप दीपावली में इसका यूज कर सकते हो या वैसे भी, ठीक है। तो देखिए इधर स्क्रूप टाइट हो चुका है, अब मैं लगाऊंगा दूसरा स्क्रूप यहाँ पर। तो फ्रेंड इसके लिए मैं ये यहाँ से निकालूंगा फ्रेंड, ये ले लूँगा, ठीक है फ्रेंड, ये लगा दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए मैं लगा आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। फ्रेंड आपको कुछ इस तरीके से टाइट कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए मैंने इस साइड से भी टाइट कर दिया है और इस साइड से भी अच्छी तरीके से मैंने टाइट कर दिया है, बिल्कुल आगे का नोजल बना दिया, ठीक है फ्रेंड। अब दोस्तों इसका जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो बनाना है हमें, तो दोस्तों अब इसका काम आ ही गया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब इसको हम कुछ इस तरीके से फ्रेंड लगा देंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये रहा मेरे पास स्क्रू, ठीक है फ्रेंड। स्क्रू की मदद से फ्रेंड मैं यहाँ पर लगाऊँगा स्क्रू, ठीक है, और यहाँ पर लगा के फ्रेंड टाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं टाइट करके आप लोगों को फटाफट दिखाता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड ये पूरी अच्छी तरीके से टाइट हो चुकी है, जैसा कि आप ये देख सकते हो हमारी गन आधा बन के पूरी तैयार हो चुकी है फ्रेंड। अब हमें बनाना है इसके आगे का पत्ती, जो कि हमारे हाथ वगैरह में ना लगे वो बनाएंगे, जो कि आगे का जो नोजल जो जहाँ से हम टिगर दबाते हैं फ्रेंड वो बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं स्क्रू लगा कर अच्छी तरीके से टाइट करके फ्रेंड एक यहाँ पर लगा कर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, लगा के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ फटाक से। तो फ्रेंड ये स्क्रू लगाया और फ्रेंड ये मैं टाइट कर लेता हूँ फ्रेंड। आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक करना फ्रेंड कि जो पत्ती है हमारे हाथ में लगे ना, ठीक है फ्रेंड। तो इसे हम अच्छी तरीके से टाइट कर लेते हैं जो कि हाथ में ना लगे हमारे। तो फ्रेंड देखिए लगभग ये टाइट हो चुका है बिल्कुल, ठीक है फ्रेंड, ये देखिए ये हो चुका है टाइट पूरा, ठीक है फ्रेंड। अब ये आगे का हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ में जो छोटी वाली कील आती है वो लगाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। ये कील आप ये देख सकते हो, ये लगाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ फटाक से। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए स्क्रू प्लग मैं यहाँ पर ठोक देता हूँ, ठोक के बैठा के आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे कील की मदद से अच्छी तरीके से इसे फिटमेंट इसका कर दिया है और लगभग हमारी बंदूक पूरी बन चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों मैं चाहता तो इसे कलर कर देता, लेकिन दोस्तों मैंने कलर इसलिए नहीं किया कि दोस्तों ये थोड़ा लगनी भी चाहिए कि जुगाड़ से बनी है, वरना मैं इसके ऊपर पूरा अगर कवर लगा देता तो दोस्तों बिल्कुल असली लगती। लेकिन फिर भी दोस्तों लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि जुगाड़ से बनाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। और आप लोग कमेंट में बताना कि वीडियो और ये हमारी बंदूक कैसे लगी, ठीक है फ्रेंड। अब दोस्तों मैं बताऊंगा कि इसके जो आप बारूद या जो पटाखे होते हो आप उसमें कैसे भरोगे। तो दोस्तों इसे आपको पीछे खींच लेनी है, ठीक है फ्रेंड। और ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये मैंने पटाखे ले रखे हैं जो कि मार्केट में आप लोगों को मिल जाएगा 2-3 रुपए में। तो फ्रेंड मैंने काफ़ी पैकेट लिए हैं, 2-3 पैकेट लिए दीपावली जलाने के लिए। और चलिए फिर आप लोगों को मैं लगा के दिखाता हूँ इसे कैसे यूज करना, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले पटाखा आप लोगों को इसके अंदर यहाँ डाल देना है, ठीक है फ्रेंड। ये पटाखा मैंने डाल लिया इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड। और आपको इसको पीछे कर देना है, ठीक है फ्रेंड। देखिए पीछे हो गया है और ये इसका जो है इसे बाहर निकालना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से निकाल लेना। और यहाँ पे आप जो कि माचिस दिखाएंगे फ्रेंड, तो ये बिल्कुल इतनी तेज़ आवाज़ करेगा जैसे लगेगा फ्रेंड कि रियल गन है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब मैं इसकी टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ फ्रेंड, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी आवाज़ आवाज़ कैसी है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी फाइनली गन बन चुकी है और इसमें मैं आग ला के दिखाऊँगा आप लोगों को इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम इसमें आग लगाते हैं और दिखाएंगे आप लोगों को कि कैसी आवाज़ कर रही है फ्रेंड। ये मैंने आग लगा दी है और ये देखिए देख सकते हो इसकी आवाज़ आप, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल रियल गन जैसी आवाज़ आ रही है इसकी, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आपने तो देख ही लिया कि इसकी आवाज़ कैसी है। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये गन हमारी कैसी लगी
और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पटाखे कम से कम यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों प्रदूषण बहुत फैल रहा है, उसे रोकने की कोशिश करें। और दोस्तों इस बंदूक का आप किसी जानवर या किसी बच्चे के ऊपर या किसी भी चीज़ पे आप ऐसे उसके कान उनके पर्दे पर आपको नहीं लगाना है, ठीक है फ्रेंड। आप लोगों को बस ये केवल मनोरंजन के लिए बना था ये वीडियो, ठीक है फ्रेंड। आप बनाना चाहो तो बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक फ्रेंड। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, और बताना वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब। तब तक